नमस्कार, सभी मिथुन राशि के दर्शकों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसा रहेगा आपके लिए अगस्त 2023? महत्वपूर्ण और निर्णायक इसलिए साबित होगा क्योंकि इस महीने ग्रहों का बड़ा उथल फुथल रहेगा। इस महीने सूर्य का राशि परिवर्तन सिंह में होगा और अपनी ही राशि में आ जाएंगे। बुध ग्रह के दुश्मन मंगल, उनका राशि परिवर्तन होगा और वो भी अच्छे नहीं है। मतलब आपके लिए जो परिस्थितियां बनेंगी वो थोड़ा सा डामाडोल वाली रहेंगी और आपको एक ही ग्रह है जो इस महीने बचा रहा है और वो है खुद शनि महाराज, न्यायमूर्ति। शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे, मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे, ये आपको सपोर्ट करेंगे। अब इसके क्या मायने रहेंगे प्रॉपर तरीके से, अब मैं फल को प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि गोचरीय स्थिति क्या रहेगी, किस तारीख में कौन से ग्रह का बदलाव होगा। तो दिनांक 17 अगस्त को सूर्य देव सिंह राशि में आ जाएंगे। दिनांक 18 अगस्त को मंगल ग्रह कन्या राशि में आ जाएंगे, यानी कि पहले लगभग 17 दिनों तक ये सिंह राशि में रहते हुए अपना फल प्रदान करेंगे। बुध देव दिनांक 23 अगस्त को सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे और शुक्रदेव 7 अगस्त को कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे। शनि महाराज कुंभ राशि में वक्री होंगे। इस प्रकार की जो ग्रह स्थिति है वो कुंडली में बनेगी। दोस्तों, अब सबसे पहले बात करते हैं कि इस बदलती हुई चाल का आपके प्रथम भाव पर, यानी कि आपके मान, आपके सम्मान, आपके यश, आपकी उपलब्धि, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, इस घर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है बुध ग्रह के पास। बुध ने कहा कि मैं अब आपके पूरे जीवन को चलाऊंगा, मैं आपके मान को, आपके सम्मान को, आपके यश को चलाऊंगा। और बुध ग्रह पूरे महीने सिंह राशि में तीसरे स्थान में रहेंगे। अब ये आपके छोटे भाई बहन के लिए सहयोगी हो जाएंगे, सपोर्टिव हो जाएंगे, पर जो प्रभावी रूप से होंगे वो दिनांक 18 तारीख के बाद ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको फल दे पाएंगे, जिसमें आपको अपने किसी घनिष्ठ का साथ मिलेगा। बट हमें तो बात करनी है आपके मान सम्मान की। तो देखिए, इस घर के ऊपर जो ग्रहों की दृष्टि आ रही है वो कुछ बहुत पॉजिटिव नहीं है, मैं आपको बिल्कुल सही बताऊं तो। और इस महीने इनफैक्ट एक पाशविक दोष का प्रभाव आपके मिथुन राशि में देखने को मिलेगा और ये विशेष रूप से देखने को मिलेगा 18 तारीख तक। पर 18 के बाद भी ऐसा नहीं है कि ये पाशविक दोष कोई पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा, फिर भी इसका प्रभाव बना ही रहेगा क्योंकि केंद्र में आपके कोई भी शुभ ग्रह नहीं बनेगा। इसलिए आपके मान में, आपके सम्मान में, आपके यश में, आपकी उपलब्धि में निश्चित तौर पर कमी देखने को मिलेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपको चतुराई से चलना पड़ेगा, आपको भावनाओं में बह के डिसीजन नहीं लेने, आपको प्रैक्टिकल जीवन जीना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर आप भी इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, पीड़ा में हैं, शनि चल रहा है, राहु चल रहा है, केतु चल रहा है, शनि नीच है, राहु केतु नीच है, महादशा, अंतरदशा, साढ़े साथी, ढैया, तो आप इस सावन के महीने में रुद्राभिषेक करा सकते हैं। बहुत ज़्यादा अत्यंत लाभदायक होता है, उन्नति वर्धक होता है अभिषेक कराना, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपसे विषय को आगे बढ़ाता हूँ कि आपके धन धान्य की स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए, धन भाव के जो स्वामी ग्रह हैं वो तो चंद्रमा है, पर इस घर में पहले 16 दिनों तक सूर्य ग्रह का गोचर रहेगा, जिसके कारण धन एकत्रित नहीं हो पाएगा, पैसा आएगा और चला जाएगा, रुक नहीं पाएगा धन, आप उसको मतलब स्टोर नहीं कर पाओगे। और साथ में पहले 17 दिनों तक पारिवारिक कलह कलेश भी बढ़ेगी और एजुकेशन के क्षेत्र में भी आपको बाधा उत्पन्न होगी, ऐसा आपकी पत्री इशारा कर रही है। ये भी मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। अगर मैं अब और थोड़ा सा आगे बात करूँ फल को बढ़ाते हुए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधी, ये सबका सहयोग, जैसा मैंने कहा, 18 तारीख के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा प्राप्त होने लगेगा क्योंकि सूर्य ग्रह स्वग्रही हो जाएंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस डाउन हो रखा है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, तो वो कॉन्फिडेंस भी आपका ठीक होगा, खोया हुआ सम्मान आपको वापस प्राप्त होगा, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें आपकी 18 तारीख के बाद कुछ बेटर होंगी। पूर्ण रूप से इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि इस महीने एक पाशविक दोष का प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिल रहा है।
आप लंबी दूरी की यात्रा बहुत अर्जेंट हो तो ही करें, अन्यथा आप इस अगस्त के महीने में अवॉइड करिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा चतुर्थ स्थान की, और ये चतुर्थ स्थान होता है सुख साधन का, प्रॉपर्टी का, वाहन का, ज़मीन का, जायदाद का, राजनीति का। और इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है बुध देव के पास। बुध अपनी राशि से 12वें में है तो पॉलिटिकल सफलता भी कम मिलेगी, डील भी इस महीने प्रॉपर्टी रिलेटेड आपकी कम बन पाएंगी। जितना आप एफर्ट मेहनत इस महीने डालोगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट कम मिलेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों साथ में माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनकी हेल्थ के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं आपसे कहूँगा। यदि हम बात करें आपके बुद्धि की, आपकी उन्नति की, आपके नीति की, शास्त्र कला की, विद्वानता की, तो इस घर पर आपके केतु बैठे हैं और इस घर की जिम्मेदारी शुक्र के पास है, जो कि 7 तारीख से शुक्र आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। तो एक तरीके से धन का कुछ हद तक आपको, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ निर्वाह, जिनके पास निर्वाह योग्य आय भी नहीं है तो ऐसे लोगों को निर्वाह योग्य आय के संसाधन ज़रूर बन जाएंगे। ग्लैमर इंडस्ट्री से, फिल्म लाइन से, कॉस्मेटिक से, खाने से, लीकर, होटल लाइन, कंस्ट्रक्शन, कुछ ऐसी चीज़ों में अगर आप कार्यरत हैं तो आपको आंशिक रूप से लाभ प्राप्त होगा। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से इस महीने ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम बात करें आपके प्रॉपर्टी, ये रोग चोट शत्रु बाधा की, तनाव बाद, तो इस घर की जिम्मेदारी मंगल के पास है। मंगल आपको निश्चित तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं फर्स्ट 18 डेज तक तो, पर 18 तारीख के बाद शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, एक मंगलिक दोष बन जाएगा, क्रोध आप में ज़्यादा बढ़ेगा, आप अपना खुद का नुकसान कर बैठेंगे, ऐसा आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब इसी विषय को आगे बढ़ाएं अगर और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी, व्यापारिक पार्टनर से सहयोग मिलेगा, दैनिक इनकम में कुछ इजाफा होगा दिनांक 25 तारीख के बाद अगस्त में, पर बहुत देरी से हो रहा है, लास्ट में जा कर के हो रहा है। इसके अलावा आपको विशेष रूप से लव लाइफ में और मैरिज लाइफ में ज़्यादा सहयोग प्राप्त होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और साथ में अगर भाग्य की हम बात करें तो इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है शनि के पास, और शनि यहाँ पर अपने घर में बैठे हैं, इस घर को बचा रहे हैं, यानी कि कितनी विपरीत परिस्थितियां बन जाए उनसे भी आप बाहर निकल के आ जाओगे, ऐसे आपके ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें कर्म की, जो लोग सरकारी नौकरी में या बड़े पदों पर प्राइवेट सेक्टर में बड़े, बहुत बड़े स्तर पर बैठे हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए जो ग्रह गोचर रहेगा वो भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, आपकी कार्य की सिद्धि और आपकी मान सम्मान व प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। यदि लाभ के दृष्टिकोण से बात करी जाए तो लाभेश मंगल आपके लिए पॉजिटिव है फर्स्ट 18 डेज, और लाभ के घर में गुरु वो बैठे हैं राहु के साथ में, तो वो आपको विदेशों से, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से, टीचिंग से, ज्योतिष से, अध्यात्म से, जो लोग प्रोफेसर हैं उन लोगों के लिए, बड़े इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, कंसल्टेशन देते हैं, उनको अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो जाएगा। ये है आपका फल, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं दिखाई दिया मेरे को मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त का महीना, एवरेज सा ही है। बाकी डिटेल जानकारी अगर कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप में संपर्क कर सकते हैं, मुंबई भी आ रहा हूँ मैं भी 27 जुलाई से 31 जुलाई 2023 में रहूँगा, वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।